वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी का। ये किचन है और शेफ मायरा यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो शेफ मायरा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, फर्स्ट क्लास। अच्छा ये बताएं आज क्या बन रहा है? आज बेसिकली हम लोग बना रहे हैं चिकन मलाई पनीरी, जो कि एक हांडी है और बहुत ही मजे की बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है। यार मेरे से गलती हो गई, मैं इसको हम लोग फिर मट्टी के उसमें नहीं बनाते तो ज्यादा अच्छा नहीं होता। अच्छा ये मौजूद है। हाँ मट्टी का मतलब बर्तन में हम सर्व कर देंगे, क्योंकि रेस्टोरेंट में भी यही होता है। ठीक है, ऐसे बनाते किसी और में और हाँ, और सर्व उसमें करके जो है। इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से, इसको मारा के ताकि नजर आ जाए कैमरे में, इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से? इंग्रेडिएंट सबसे पहले इसमें जो है कॉटेज चीज यूज होगा। चीज? ओके। कॉटेज चीज सबसे मेन इंग्रेडिएंट है इसका। उसके अलावा हम क्रीम यूज करेंगे। क्रीम? ओके। फिर हम योगर्ट यूज करेंगे 3-4 टेबलस्पून। 300 ग्राम हमारे पास बोनलेस चिकन क्यूब्स में। ये हमारे पास जो है 2-3 टेबलस्पून हरी मिर्चें, साथ में अदरक और लहसुन को मैंने पीस के ये पेस्ट बना दिया। अच्छा आपने मैंने देखा ज्यादा ग्रेन भी नहीं बोलना। हाँ बहुत ज्यादा आपने बिल्कुल बारीक फाइन नहीं पीसना। ठीक है ठीक है। इसमें ब्लैक पेपर और सॉल्ट जाएगा, थोड़ा सा बटर जाएगा क्योंकि बटर से ही इसका फ्लेवर आएगा। ओके। और गार्निशिंग में हम थोड़ी सी अदरक डालेंगे और ऑयल तो नॉर्मल। जी बिस्मिल्लाह करते हैं। जी शेफ मायरा इस वक्त मौजूद है और डिश का नाम है चिकन मलाई पनीरी। चिकन मलाई पनीरी, ओके। अच्छा सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ठीक है। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो पहले हम ये जो क्यूब्स है हमारे कॉटेज चीज उसको फ्राई करके निकाल लेंगे। चीज के हमने कुछ क्यूब्स बनाए हैं, उसको फ्राई करेंगे और फिर निकाल लेंगे। ठीक है। जैसे हम डिफरेंट पनीर मखनी वगैरह के लिए। अच्छा, फ्लेम ऊंचा करने की जरूरत है इसको? जी जी मैं कर रही हूँ। अच्छा घर में हर कोई बना सकते हैं मायरा? हाँ ये इजीली बन जाएगा, खासतौर पे जो जॉब लोग कर रहे हैं ना उनके पास टाइम नहीं होता, उनके लिए तो सबसे इजी डिश है कि वो जल्दी से पक भी जाएगी और टाइम भी नहीं लगेगा। अच्छा सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखिए ये जो है इस वक्त मेरे साथ शेफ मौजूद है, इनको आप हल्का ना ले, वैसे तो माशाल्लाह सेहतमंद है भारी है, लेकिन वैसे हल्का ना ले, बहुत माशाल्लाह एक्सपर्ट है और क्लासेस देती है ऐसा ही है। और माशाल्लाह इन्होंने एक अपना ब्रांड, ये बड़ी बात है। कितने साल से मारा काम कर रहे हो? मैं तकरीबन 2016 से कर रही हूँ। यार मेरा शहजादा बहुत जबरदस्त काम करते हैं, बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं और आज तो हमने इनकी डिश भी ऑफ कोर्स आपको प्रेजेंट करें। किस नाम से ऑनियर आप कर रहे हो फेसबुक पे? फेसबुक पे मायरस किचन के नाम से, और यूट्यूब पे भी मायरस किचन के नाम। क्या बात, इसने अकलमंदी का मुजाहिरा किया मायरस किचन। अच्छा मायरा आपने, मैंने आपसे जब बात करी थी तो वीडियोस वगैरह थी उसमें हम मसाले वगैरह मेंशन की, तो ये क्या कॉन्सेप्ट आपका है कि मसाले बनाना? एक्चुअली मसाले जो रेडीमेड मसाले मैं खुद भी यूज़ करती थी, ऐसी बात नहीं, शुरुआत में ठीक है तो मुझे कुकिंग नहीं आती थी, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं अपने मसालों के साथ कुछ किया जाए, तो मैं अपने मसालों से जब कुकिंग करने लगी मुझे ज़्यादा मज़ा आने लगा। और फिर मैंने सोचा कि प्योर मसाले, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको आजकल अगर मैं बताऊँ एक जो है मैदे वगैरह से इश्यूज हो रहे, बीमारी हो रही है, वो नहीं खा सकते, तो वो उनके लिए फिर कुछ मसालों में अगर उस तरह की चीज़ें मेंशन होती हैं तो वो नहीं खा सकते। ठीक है। तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है कि एक तो होम बेस्ड है, हाइजीनिक है और केमिकल्स भी नहीं है। केमिकल्स भी बिल्कुल, प्रिजर्वेटिव्स और जो केमिकल्स डालते हैं वो भी नहीं है, वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़। ये स्किल्स प्रमोशन में कहलाते हैं हम लोग, जिस तरह गुड मॉर्निंग विद सभी में हम उन खवातीन को जो इस तरह अपने हैंडमेड वर्क करती हैं, तो ये उस उन खवातीन में आती हैं जो स्किल्स प्रमोशन है, तो क्या कहते हैं ऐसा होना चाहिए हमारी खवातीन? जी बिस्मिल्लाह। और क्या चीज़ है? जी हम इसको दोबारा प्लेट ऑफ कर देते हैं। आज हम ज़बरदस्त पनीर की बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है, क्या बात है। ये हमने सब इसको दोबारा हल्का सा इन्होंने किया है। ठीक है, इसके बाद हमने इसको निकाल लिया। अब साथ में सबसे पहले हम बटर डालेंगे क्योंकि असल जो मक्खी आज करने की जरूरत है कि जल ना जाए। ठीक है, थोड़ा सा जी। थैंक्स फॉर ग्लैम गैस स्पेशली फॉर दिस स्टोव, क्योंकि ये जबरदस्त है और होम अप्लाइंसेस तमाम ग्लैम गैस की दी बेस्ट है। उसके बाद आप ये जो हरी मिर्ची और आपने बनाई है जिंजर गार्लिक को पेस्ट इसको डाल दें। ठीक है, मुझे मायरा की पूरी बाबा मिर्चों की खुशबू के साथ ही में इसके अंदर जो है हम थोड़ा सा सॉल्ट। अच्छा हाथों हाथ चीजें डाल रही जी, ब्लैक नहीं साइड आ जाती। क्या बात है जबरदस्त। ठीक है, मसाला जले नहीं उसके नहीं, लिए नहीं, 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 हल्का सा पानी डाल, हल्का सा पानी डालेंगे 1 टीस्पून के करीब ताकि मसाला जले नीचे ना लगे। जलने का मतलब होता है नीचे लगना,
अच्छा, साथ ही मैम इसके अंदर सबसे पहले चिकन डाल देंगे और चिकन की फ्राइंग करेंगे। ओके, हमने ये चिकन डाल दी इसमें, लौंगी। ओके, हमने इसको इसमें भूनना है या ऐसे हल्का सा फ्राइंग करनी है? ओके। अच्छा, चिकन तो बोनलेस है तो ये बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है और जल्दी बन जाएगी। अच्छा, फ्लेम आप कंट्रोल में रखिएगा प्लीज। जी, इस वक्त जो है मसाला सारा जो है वो चिकन में, देखिए अपना नाज़रीन लग गया, बहुत ज़बरदस्त। ओहो हो, ग्रीन। थोड़ा सा हम दही डाल देंगे, तकरीबन 1/4 कप के करीब दही है। ठीक है, इसको डाल के आपने इसको मिक्स करना है। बस आपने स्पून रोकनी नहीं है, मैं जहाँ तक आपको बताऊँ, ये लीजिए आप अच्छा, आ गए, आपने भी कोई फरमाइश करनी हो तो ऑफ कोर्स आप फरमाइश कर सकते हैं। और इसको अभी कितनी देर स्टीम पर रखना है? ये थोड़ी देर कुक होगी तो उसके बाद एंड में जो है ना पनीर और क्रीम डालेंगे। अच्छा, एंड और में उसके बाद हम दम लगा देंगे। ठीक है जी, हम लोग यानी कि कम से कम इसे कितनी देर इसको छोड़ना? तकरीबन आप 5 से 10 मिनट में ये चिकन हो जाएगी डन। ठीक है, हम लोग फिर ब्रेक की जानिब जाएं? जी चले जी। कुछ मैसेज देना चाहेंगे हम लोग इसको, आएंगे दोबारा? मैसेज मैं आपको ये देना चाहूंगी कि खासतौर पे वो सारी खवातीन जो बहुत ज्यादा डरती है ना कि उनकी शादी हो रही है तो उनको कुकिंग नहीं आती वो इनके पास तो हाँ, वो मेरे पास भी आ सकती है और आप इस डर से निकल जाएं कि जो है ना आप कुकिंग नहीं कर सकती, आप कुकिंग कर सकती हैं, आप ट्राई करें, आप करेंगे, आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, आ जाएगा। मुझे ये बताएं, मैं आज आपसे साथ साथ टोटके भी पूछूंगी कि ये बताएंगे जो ये जो राइस है वो आपस में चिपक जाते हैं, उसके लिए बेहतरीन टोटका क्या है? देखिए, राइस का सबसे बेहतरीन टोटका वो निकरे निकरे से आए ना ऐसे। जी, अगर जैसे फ्राइड राइस आप बना रहे हैं ना, उसमें आपने देखा है रेस्टोरेंट्स में खिले खिले राइस अलग अलग होते हैं, वो करते ही हैं कि बेसिकली राइस को आप बॉइल करने के बाद आप उसको फैला दें किसी बर्तन में, ओके, ताकि वो आपस में चिपके नहीं, और फिर उसके बाद जब आप थोड़े ठंडे हो जाएंगे आप फ्राइड राइस बनाएंगे वो वैसे ही खिले खिले रहेंगे। क्या बात। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आपकी जो राइस की पहचान है और क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। ये बड़ी इम्पोर्टेंट, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है। आपको बासमती राइस में और सेला राइस में और डिफरेंट फर्क पता होना चाहिए कि आप बिरयानी के लिए कौन सा राइस यूज कर रहे हैं, ठीक है, और जर्दे के लिए कौन सा राइस यूज कर रहे हैं, बहुत ये बड़ा काउंट करता है। मायरा, हम लोगों ने दोबारा आपने मुझे ऐसे इशारा करने से भी मैं दोबारा आपके पास, छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।